और मेरा उनकी छत्र छाया से निकलकर अपनी राह पर आगे बढ़ने का समय आ गया था। नहीं गुरुजी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। बेटा, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे मैं सिखा सकूं। तुम्हें प्रस्थान करना ही होगा। लेकिन मैं इस यात्रा में अकेले कैसे गुरुजी? किसने कहा कि तुम अकेले जा रहे हो? और कौन जाएगा मेरे साथ? मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। मेरी रक्षा के लिए गुरुजी ने तब तक आश्रम छोड़ देने का फैसला किया जब तक कि मैं कुछ बड़ा और नहीं हो जाता। गुरुजी के इस निर्णय से मेरे गुरु भाइयों में असंतोष था और गांव वाले भी थोड़ा नाराज थे। गुरुजी आश्रम छोड़कर जा रहे हैं, वो भी अपने उस प्रिय शिष्य के साथ। क्या? कब? बस थोड़ी देर में प्रस्थान करने वाले हैं। नहीं नहीं, हम उन्हें जाने नहीं देंगे। वैकुंठा जी हमेशा हमारे साथ हमारे गांव में रहे हैं। उन जैसे महापुरुष के बगैर तो हम सब अनाथ हो जाएंगे। वो हम सबके गुरु हैं। वो कल का आया हुआ बच्चा हमसे हमारे गुरु जी को छीन नहीं सकता। चलो सबको सूचित कर वेंकुशा जी को रोकते हैं। हाँ, गुरु जी आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। मैं आप लोगों को छोड़कर नहीं जा रहा हूं, शीघ्र ही वापस आऊंगा। इस बालक को इसके गंतव्य तक पहुंचाने में मदद करनी है। आप कब वापस आएंगे गुरुजी? जब वेंकटेश्वर की इच्छा होगी। ये सब इस बच्चे के कारण हो रहा है। जब तक ये बच्चा गुरुजी के साथ है तब तक वो हमसे दूर रहेंगे। गुरुजी अगर लौटना भी चाहे तो ये बच्चा उन्हें लौटने नहीं देगा। अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। तो फिर गांव वालों ने क्या किया साई? उन्होंने मेरा अपहरण करने का निर्णय लिया। लोग ऐसे सोच भी कैसे सकते हैं साई? वो भी एक बच्चे के लिए। साई, अब ये मत कहना कि वो अपने उद्देश्य में सफल हुए। कुछ भी अकारण नहीं होता है। जो कुछ भी होता है उसमें उस मालिक की रजा होती है। गांव वाले भी ये नहीं जानते थे
कि वो तो केवल उस भगवान की इच्छा पूरी कर रहे हैं। अंततः गुरुजी और मैंने आश्रम छोड़ दिया। और गोदावरी नदी के किनारे एक छोटी सी कुटिया में रहने लगे। यहां रख दो। क्या हुआ गुरुजी? कुछ नहीं, तुम ध्यान लगाओ। मतलब साईं, जैसे तुम हर मुसीबत से हमें बचाते हो, वैसे तुम्हारे गुरुजी तुम्हें हर मुसीबत से बचाते थे। मैंने भी उनसे कई बार यही सवाल पूछा कि आप हर बार कैसे ये जान जाते हैं कि मैं मुसीबत में हूं। इसका उत्तर वही है जो तुमने मुझे उस दिन दिया था। सहानुभूति, संवेदना। जैसे जैसे तुम अपनी इंद्रियों का प्रयोग करना सीखोगे, वैसे वैसे किसी भी इंसान के सुख दुख की पुकार सुनने में अपने आप को और भी सक्षम पाओगे। साई, अब हम सब जान चुके हैं आपके गुण आपको विरासत में आपके गुरुजी से ही मिले हैं। मैं तो सिर्फ उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करता हूं। मुझसे देर हो सकती है, पर गुरुजी
मैं जब भी मुसीबत में था, जब भी मुझे उनकी जरूरत हुई, हमेशा उन्हें अपने पास ही पाया। सुनो, थोड़ा पानी मिलेगा? जरूर मिलेगा। ये लीजिए। गंगाधर, तुम यहां क्या कर रहे हो? गुरुजी, आप यहाँ कैसे? पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। वो मैं यहाँ से गुजर रहा था तो प्यास लगी तो बालक से थोड़ा सा पानी ले लिया। प्यास बुझ गई हो तो चले जाओ यहाँ से। जी गुरुजी। गुरुजी ने हमेशा मेरी रक्षा की और गांव वाले वो परेशान हो चुके थे। मतलब उन्होंने हार मान ली? नहीं, इतने प्रयासों के बाद उन्हें समझ आ चुका था कि गुरुजी के रहते वो मेरा अपहरण नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने मुझे अपने रास्ते से हटाने का फैसला लिया। मतलब वो तुम्हारे प्राण लेना चाहते थे? कोई ऐसे हत्या के बारे में सोच भी कैसे सकता है? बड़े नीच लोग थे ये गांव वाले। नहीं लक्ष्मी, उनकी व्यथा समझने की कोशिश करो। उन्हें डर था कि वो अपने गुरुजी को खो देंगे, ऐसे में वो अपने को दिशाहीन महसूस कर रहे थे और दिशाहीन व्यक्ति अक्सर गलत रास्ते पर ही चलता है। यही तो तुम्हारी विशेषता है साईं, कि तुम सब में अच्छाई देखने की कोशिश करते हो। बायजामा, बुरे से बुरे इंसान में भी कुछ ना कुछ अच्छाई जरूर होती है। इसके बाद क्या हुआ साईं? फिर अगली चतुर्दशी की रात को तो ये लोग खाना पका रहे हैं, खाना खाकर सो जाएंगे तब हम अपने काम को अंजाम देंगे।
गुरुजी, हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? चल, 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 गुरुजी। कैसा लग रहा है गुरुजी? अब मैं बिल्कुल ठीक हूं बेटा। मतलब ठीक गुरुजी? घाव भी गहरा है। जानता हूं बेटा, और ये भी जानता हूं कि जब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तुम पर संकट मंडराता रहेगा। ये लोग तुम्हें मुझसे अलग करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इनकी आज के कृत्य से ही सिद्ध हो गया कि ये तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे और तुम्हें हर हाल में जीवित रहना है। इसलिए अब हमारे अलग होने का, एक दूसरे से दूर होने का समय आ गया है बेटा। गुरुजी, ये तुम्हारी ओर से मेरे लिए गुरु दक्षिणा होगी, ना मत कहना। ये तुम्हारी उत्तर जीविका के लिए मददगार साबित होगा। क्षमा चाहूंगा गुरुजी, पर मेरे किसी काम का नहीं है। हो सकता है ये तुम्हारे किसी काम आ जाए। क्या ये कभी आपके काम आया? गुरुजी, आपने ही तो कहा था कि एक सुखी जीवन के लिए इन सब चीजों की कोई आवश्यकता नहीं होती। लेकिन हाँ, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे वो ईंट दे दीजिए जिससे आपको चोट लगी थी मुझे बचाने में। इस ईंट का तुम क्या करोगे? ये ईंट हम दोनों के बीच की जुड़ाव का और लगाव का प्रतीक है, मेरी देखभाल और आपके स्नेह का प्रमाण है। ये मेरे लिए बहुत अनमोल है। संसार की सारी धन दौलत गहनों जेवरात से कई अधिक मूल्यवान है।
ये ईंट हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगी, आजीवन तुम्हारे साथ रहेगी। इसे मैं हमेशा अपने साथ रखूंगा। अब प्रस्थान करो, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। और आप? मेरा समाधि लेने का समय आ गया है। मैंने जो सिखाया है उसे हमेशा याद रखना। आत्मा अमर है, इसलिए शोक ना करो। मैं तुम्हारे साथ ना रहते हुए भी हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। हम फिर से मिलेंगे किसी और जन्म में, किसी और जीवन में। जाओ, तुम्हारा भविष्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। आने वाला समय तुम्हारी तरफ हसरतों से देख रहा है, क्योंकि तुम्हारा जीवन वो जीवन होगा जिससे लोग प्रेरणा लेते रहेंगे। जाओ। गुरुजी से बिछड़कर मुझे बहुत दुख हुआ, बुरा भी लगा, पर बहुत जल्दी एहसास हुआ कि मैं तो कभी अकेला था ही नहीं। गुरुजी का आशीर्वाद तो हमेशा मेरे साथ था। उसके बाद कई सालों तक मैं ऐसी जगह की तलाश में भटकता रहा जहां मुझे घर जैसा लगे, और फिर मैं शिरडी पहुंचा। शिरडी को मैंने अपनी कर्मभूमि चुना क्योंकि यही मेरे गुरु की समाधि भी तो है। शिरडी में शिरडी वासियों में मुझे एक परिवार मिल गया, मां मिली, भाईसा मां, लक्ष्मी मिली, महालसा पति जी मिले,
जिन्होंने मुझे नाम दिया साई। और आप सब जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया कि कभी शिरडी से जाने का मन ही नहीं करा। कभी सोचना भी मत कि तुम यहां से जाओगे। हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे साईं। तुम हमेशा हमारे साथ ही रहोगे। अपने गुरु की समाधि को छोड़कर, आप सबको छोड़कर और कहां जाऊंगा भला मैं? मैं हमेशा शिरडी में ही रहूंगा, अपने जाने वाले लोगों के दिलों में रहूंगा। मैं जीते जी भी और जीवन के बाद भी। नहीं नहीं साईं, शुभ शुभ बोलिए, आपको कभी कुछ नहीं होगा। हाँ महलसापति जी, जब तक मेरे गुरु जी का आशीर्वाद ये ईंट मेरे पास सुरक्षित है, कुछ नहीं होगा मुझे। आपके कहने का मतलब क्या है साईं? क्या हुआ गजराज? साईं, आपके लिए ईंट कितनी महत्वपूर्ण थी और मैंने इस ईंट को चुराने का प्रयास किया, मुझे माफ कर दीजिए साईं, मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं गजराज, तुम्हें अपनी भूल अपनी गलती का एहसास है, बस मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। साईं, ये सब सुनकर हम सब भी वेंकुशा गुरुजी के भक्त हो गए हैं, क्योंकि अगर उनकी समाधि यहां नहीं होती तो तुम यहां नहीं होते। उन्होंने मेरे बेटे के लिए बहुत कुछ किया है। मुझ पर बहुत बड़ा उपकार है उनका, हम सब पर है। मैं अभी उनके समाधि पर जाकर उन्हें प्रणाम करना चाहती हूं। हम सभी चलते हैं आपके गुरुस्थान। Thank you.
वाकई में हम सब इस्मत वाले हैं जो तुमने शिरडी को अपनी कर्मभूमि चुना, और हमेशा हमेशा के लिए हम सब के साथ यहाँ रहने आ गए। धन्य है हम और यहाँ की मिट्टी। हमारी शिरडी को ये संसार हमेशा हमारे साईं के नाम से जानेगा। श्रद्धा, सबूरी, सबका मालिक एक। साईं, आप हमेशा कहते हैं कि भक्ति में शक्ति होती है, लेकिन पूजा पाठ तो सभी करते हैं, तो ये कैसे तय हो कि किसकी भक्ति में कितनी शक्ति है? भक्ति की शक्ति का आकलन इस बात से लगाया जाता है कि हम खुद को ईश्वर की भक्ति में कितना समर्पित कर देते हैं, और भक्ति की पराकाष्ठा है पूर्ण समर्पण। जब ईश्वर पर आस्था इतनी ज्यादा हो कि कोई भी उसे डिगा ना सके, जब इंसान का अहम पूरी तरह समाप्त हो जाए, तो वही भक्ति का चरम है। और इसी से संबंधित एक कहानी है बहेलिए और ब्राह्मण की। जब नारायण को चुनाव करना था कि बहेलिए और ब्राह्मण में से किसे वैकुंठ में स्थान मिलेगा, तब नारायण ने बहेलिए को चुना। ये कौन सा प्रसंग है साईं? मैंने तो कभी नहीं सुना। एक बार नारद मुनि एक बहेलिए से मिले, तो बहेलिए ने उनसे पूछा कि आप नारायण से जाकर पूछना कि मुझे मुक्ति कब मिलेगी। कुछ ही दिनों बाद यही सवाल नारद मुनि से एक ब्राह्मण ने किया। दोनों का प्रश्न लेकर नारद मुनि भगवान विष्णु अर्थात नारायण के पास पहुंचे और उनसे वही सवाल किया। इस पर नारायण ने कहा कि बहेलिए से जाकर कहना कि मृत्यु के बाद उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाएगी और वो मेरे पास आ जाएगा। पर ब्राह्मण को अभी और जन्म लेने होंगे, उसे अभी मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन क्यों साईं, उस ब्राह्मण ने कोई पाप किया था? नहीं, बल्कि वो तो धर्म का पालन भी करता था, और इसी तरह नारद जी भी चकित हुए थे जब नारायण ने उनसे ये बात कही। पर नारद का प्रश्न सुनकर नारायण मुस्कुराए और उनसे कहा कि आप चिंतित ना हो, आपको इस प्रश्न का उत्तर शीघ्र ही मिल जाएगा। बस इतना कीजिएगा कि जब आप ब्राह्मण और बहेलिए से मिले, तो उनसे कहना कि जब आप मुझसे मिले, तो उस समय मैं सुई में हाथी पिरो रहा था।
नारद जी ने वैसा ही किया। जब वो पृथ्वी लोक पर आकर ब्राह्मण से मिले और नारायण की बात बताई कि जब वो भगवान नारायण से मिले तो उस समय वो सुई में हाथी पिरो रहे थे, इस पर ब्राह्मण भी ऐसे ही चकित हो गया। उसे नारद जी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। विश्वास ना होने पर नारद जी आगे बढ़ गए और एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठे उसी बहेलिए से मिले और कहा कि जब वो नारायण से मिले तो वो नारायण सुई में हाथी पिरो रहे थे। नारायण सुई में हाथी पिरो रहे थे। और बहेलिए ने क्या कहा साई? वो रोने लगा, अश्रुधारा बहने लगी, कहने लगा कि उसके नारायण के लिए कुछ भी संभव है, उसके नारायण की लीला अपरंपार है, कुछ भी कर सकते हैं वो। जब बहेलिए ने ऐसा कहा तो नारद जी चौंक गए। उन्होंने कहा, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि नारायण एक सुई की आंख से हाथी को पार कर सकते हैं? इस पर बहेलिए ने कहा कि जिस वृक्ष के नीचे वो दोनों बैठे हैं वो भी तो एक छोटे से बीज से ही उत्पन्न हुआ है, और जब नारायण इतने बड़े वृक्ष को केवल एक बीज में समा सकते हैं तो फिर वो एक सुई की आंख से हाथी को पार क्यों नहीं कर सकते? यही आस्था है, यही विश्वास है। हमें तो वैकुंठ जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। नारायण खुद कृष्ण के रूप में यहां द्वारका माई आ गए हैं। अंदर आओ मार्तंड। कृष्ण किसने बनाया? मैंने। आप लोगों को याद दिलाने के लिए कि जन्माष्टमी आ रही है, उसके बारे में कुछ सोचिए। जन्माष्टमी तो हर साल मनाई जाती है कुलकर्णी बाड़े में। साई, हम सबका मन है कि इस साल जन्माष्टमी द्वारका माई में मनाई जाए। हाँ, कुलकर्णीवाड़ा में बहुत नियम और कानून होते हैं। हाँ साई, निराली की बात तो सही है। ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत बैठो, शोर मत मचाओ। पिछली बार तो मैं कान्हा के दर्शन भी नहीं कर पाई थी। हाँ साई, वहाँ तो दही हांडी भी नहीं होती, क्योंकि मामा जी को हमेशा लगता है कि उनका वाड़ा खराब हो जाएगा। साई, मान जाइए ना, मुझे भी मेरे दोस्तों के साथ जन्माष्टमी मनानी है। बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, और अगर बच्चों ने तय कर ही लिया है तो फिर बच्चे और कान्हा के बीच आने वाला मैं कौन होता हूं? इस साल जन्माष्टमी यहीं
द्वारका माई में ही मनाई जाएगी। और कौन जाने इस जन्माष्टमी में हमें भक्ति की शक्ति देखने को मिल जाए। धर्म क्या हुआ? उठो 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 उठो। कोई चोट तो नहीं आई तुम्हें? हाँ, क्या कर रहे थे तुम? कैसे गिर गए? मक्खन निकाल रहा था। मक्खन? मक्खन चाहिए तो मुझे बोल देते, मैं उतर देता। ये लो। ये क्या कर रहे हैं आप? कब तक हम इसे चीजें उठाकर उतार कर देते रहेंगे? ये अपने हाथों से कुछ भी तो नहीं पकड़ पाता। 8 बरस का हो चुका है ये, कभी ना कभी तो इसे। देखो, जब तक इसकी समस्या दूर नहीं होती, हमें इसकी मदद करनी होगी। अभी हम इससे कोई अपेक्षा नहीं रख सकते। मैं जानता हूं कि इसे आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, क्योंकि आजीवन हम इसके साथ नहीं होंगे। लेकिन उसके लिए इसका इलाज करना जरूरी है। पिता होने के नाते ये मेरा फर्ज है। हे कृष्णा, मेरा सपना है कि एक दिन मेरा बेटा खुद के हाथ से मटका उतार सके। मेरा सपना है हर साल जन्माष्टमी में जो पूजा करता हूं, उस पूजा में मेरा बेटा भाग ले सके। जीवन आपकी भक्ति में समर्पित कर दिया है, मेरी पुकार कब सुनोगे? पूरा खत्म करना है तुम्हें, ठीक है? कहीं भागना नहीं है। क्या हुआ बाबा? काका महाजनी की चिट्ठी आई है। दयाराम के बारे में लिखा है। काका का बेटा जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, चिंताएं बढ़ रही है उनकी। लिखा है मन अशांत रहता है आजकल। कितने भले लोग हैं, लेकिन इतने समय से बस भुगत ही रहे हैं। आप उन्हें यहां क्यों नहीं बुला लेते? साईं से मिलवाइए उन्हें। साईं कुछ ना कुछ करके उनकी परेशानी जरूर दूर करेंगे।
मैंने पहले कोशिश तो की थी पार्वती, उनका आना नहीं हो पाया, लेकिन इस बार साई से अवश्य मिलाना चाहिए उनको। मैं काका से कहता हूं कि इस बार जन्माष्टमी यहीं पर मनाएं, साथ ही साई के बारे में भी लिखता हूं। धार्मिक इंसान है, बात समझेंगे। वैसे काका महाजनी आजकल रहते कहां है? बंबई। हमारे पड़ोस के कदम काका है ना, वो वृंदावन गए थे तो वहां से मंगवाया ये रक्षा सूत्र तुम्हारे लिए। ये आई कितने का है ये रक्षा सूत्र? मैंने तो 5.25 रुपए दक्षिणा के लिए दिए थे। इसके नाम की पूजा अर्चना हो गई और बाकी अलग से कुछ देना नहीं पड़ा। लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? हर मंदिर और वैद्य के पास जाकर देख चुके हैं पर कहीं कोई फायदा नहीं हुआ। हर सप्ताह किसी ना किसी को दान दक्षिणा दे ही रहे हैं जो इसका उपचार कर सके, पर कोई फायदा नहीं। आपने अपने दफ्तर से भी उधार लिया है इसके इलाज के लिए, कब तक चलता रहेगा ऐसा? कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। अरे दयाराम, दयाराम क्या हुआ? अरे दयाराम रुको 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 रुको, पानी चाहिए था तुम्हें? हाँ तो मुझे बोल देते, मैं पिला देता। चल आ जाओ चलो मैं तुम्हें पानी पिलाता हूँ। आओ यहाँ आओ आओ बैठो, लो पियो। हाँ चलो अब मैं तुम्हें खाना भी खिलाता हूँ। आहो क्या कर रहे हैं आप? आप जाइए दफ्तर के लिए तैयार हो जाइए, रोज रोज देर से जाना अच्छा नहीं है। उसे मैं खिला दूंगी। और हाँ आपको याद है ना, आपको आज अपने प्रबंधक से बात करनी है अपनी तरक्की के लिए। इतनी सी पगार में हम इसकी मदद कैसे कर पाएंगे? आप जाइए जल्दी तैयार हो जाइए, इसे कोशिश करने दीजिए। नहीं मेरा, मैं इसे अकेले नहीं छोड़ सकता हूँ, और तुम्हें आई का भी ख्याल रखना है, बाकी सब काम है। तुम इसे खिलाने बैठोगी तो देर हो जाएगी, तो कहीं इस पर से ध्यान चुका तो कुछ भी हो सकता है। थोड़ी देर की बात है, मैं इसे खिला कर जाऊंगा। हे ईश्वर, हमारे दयाराम के उपचार के लिए भी बहुत पैसे जमा करने हैं, इस बार इनकी तरक्की करवा देना। साईं मेरा नाम पराग है और मुझे अपने सबसे अच्छे दोस्त यश पर शक हो गया है। शक? कैसा शक? कुछ समय पहले मैंने एक व्यापार शुरू किया था, यश मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, उसने प्रबंधक के रूप में मेरी मदद करने की बात की और बहुत थोड़ी सी ही पगार में काम करने का प्रस्ताव भी रखा। मैंने सोचा मेरा अच्छा दोस्त है, मैंने उसे नौकरी दे दी, लेकिन अब मुझे शक ये हो रहा है कि वो मुझसे पैसे चुरा रहा है। और इस शक का कारण? व्यापार में जितना मुनाफा होना चाहिए उतना किताबों में नहीं हो रहा है। क्या तुमने बही खाते खुद देखे? साईं मुझे समय कहां मिलता है, मैं रोज नए नए ग्राहक बनाने में व्यस्त रहता हूं। बही खाता यश ही संभालता है और वो मुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा भी है, वो ये बात समझता है, शायद कुछ ज्यादा ही समझदार है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इतनी कम तनख्वाह लेकर मेरे मुनाफे से ही अपनी पूर्ति करता हो? क्या तुमने उससे बात की, पूछा उससे? संदेह है लेकिन पक्का पता नहीं, कोई सबूत नहीं। अगर मैं उससे पूछता हूं
और अगर ये बात सिद्ध हुई कि उसने चोरी नहीं की तो मेरी दोस्ती बच ही नहीं पाएगी साईं। मुझसे क्या मदद चाहते हैं आप? मुझे ये बताइए साईं कि मैं ये कैसे पता करूं कि मेरा जो शक है वो सही है या नहीं। ठीक है, मदद करूंगा तुम्हारी, पर अभी तो मुझे तुम दोनों से मदद चाहिए। यश को यहां ले आओ, मुझे तुम दोनों से मालाएं बनवानी है। माला? हम दोनों से? कुछ समझ नहीं आई बात। ठीक है साईं, मैं अभी लेकर आता हूं। मन में साईं के क्या है कौन जान पाए। ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम। खाने पीने और पूजा की सारी तैयारी तो बड़े लोग कर लेंगे। हमें तो दुकानों में जाके बस ये पता करना है कि जन्माष्टमी के सजावट का सामान कौन कौन दान करना चाहेगा। हाँ चलो, चलो। काका, हमें जन्माष्टमी के लिए झंडे और जालर दो ना। इस बार हम जन्माष्टमी द्वारका माई में मनाने वाले हैं। द्वारका माई को सजाना है। बच्चों तुमने आने में देर कर दी, कुछ भी नहीं बचा है मेरे पास। कोई बात नहीं, हम दूसरी दुकान में चलते हैं। बच्चों अगली दुकान पर पता कर लो, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। चलो। कहीं भी कुछ नहीं मिला, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। ऐसे कैसे नहीं देगा? हाँ, हर दुकान से सजावट का सामान लेने का आदेश है हमें। तू जन्माष्टमी में सामान नहीं देगा, दुकान तुड़वाऊंगा तेरी। नहीं नहीं, ये पकड़। इतने सारे सामान का सिर्फ 10 पैसे। अरे चुप। चला। रुकिए, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? दिखता नहीं क्या? चंदा और सजावट का सामान ले रहे जन्माष्टमी के लिए। तुम लोग हमारा समय बर्बाद मत करो, अपने अपने घर में बोल दो कि जल्दी से जल्दी चंदा जमा करे। नहीं, क्या बोला? हम आपको कुछ नहीं देने वाले। नहीं दोगे तो जन्माष्टमी कैसे मनाओगे? इस साल हम जन्माष्टमी अपने साई के साथ मनाने वाले हैं, द्वारका माई में। भिखारी लोग, ना पैसा है ना सजावट का सामान है, और वो भिखारियों का सरदार साई उसकी दुकान द्वारका माई को सजाने चले हो ना तुम लोग। मनाओ मनाओ। और जब कुलकर्णी वाड़ा की चकाचौन रोशनी देख के जी ललचाएगा ना तो वहां मत आना। चलिए पंता जी। चलिए भिखारी लोग। क्या करें, जब भी कोई मुसीबत आई बचाने हमेशा आते हैं साई। ठीक है सुरेखा वहिनी, मैं इसे समय पर सीकर तैयार रखूंगी। ठीक है, ये लो पैसे, मैं चलती हूँ। आप इतनी जल्दी कैसे आ गए दफ्तर से? आपकी बात हुई क्या प्रबंधक से कुछ तरक्की के बारे में? नहीं मीरा, आज मुझे समय नहीं मिला।
दयाराम को एक अंग्रेजी डॉक्टर के पास ले जाना है, इसलिए मैं दोपहर को ही निकला है। अब दयाराम को उस डॉक्टर को दिखाने के बाद मैं दफ्तर लौट जाऊंगा। हाँ, पर दफ्तर के बाद भी तो जा सकते थे ना। इस डॉक्टर के बारे में सुनते ही मुझसे इंतजार नहीं हुआ। मीरा, मुझे लगता है ये डॉक्टर अपने दयाराम को जरूर ठीक करेगा। जाओ, तुम दयाराम को तैयार करो। चलो, आज कम से कम किसी और मंदिर या बाबा के पास नहीं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, शायद कोई उपाय मिले। आओ, ये कुछ पैसे हैं, ये रख लीजिए, वहां जरूरत पड़ सकती है। जाओ। आप अभी भी काका महाजनी को खत लिख रहे हो? खत लिख रहा होता तो कब का लिख चुका होता। साई की अनंत लीलाओं का वर्णन कर रहा था, और वो आसान काम नहीं है पार्वती। मुझे पूरा विश्वास है कि इन लीलाओं को पढ़कर काका महाजनी समझ जाएंगे कि साई क्या है, और वो यहां आने के लिए प्रेरित भी होंगे। इस पत्र के साथ साथ साई का आशीर्वाद भी उन तक पहुंच जाएगा।